ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर महोबा से, जो कई विगत माह से हो रही दर्जनों चोरियों के खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपद में पशु वाहन चोरी व नकाबजनी की घटनाओं को लेकर एक जनपद में अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय पशु वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। इन चोरियों को खुलासे के लेकर पुलिस प्रशासन सहित मीडिया कर्मियों की व ग्राम प्रधान की वाहवाही हो रही, जिसमें एसपी अपर्णा गुप्ता एवं कुलपहाड़ क्षेत्राधिकारी हर्षिता गंगवार व एसएचओ मोहन एवं थाना प्रभारी पनवाड़ी की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही। दूसरी तरफ महेश पटेल एवं उसकी पत्नी चोरी के खुलासे को लेकर काफी संतुष्ट है, तो वहीं उनका कहना है कि हमारे चोरों ने कटवाकर जानवरों को उनका मांस नौ में बेच रहे, हमारा 2 लाख का लगभग नुकसान भी हुआ है, इस पर परिवार का एकमात्र जीविका साधन था। वहीं महेश की पटेल की पत्नी इस घटना से विचलित सी हो चुकी तथा परिवारजन शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ऐसे स्थिति में शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार को क्या न्याय दे पाता है, इसका निर्णय आने वाला समय ही करेगा। बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने को लेकर भाजपा नेता व भूमाफिया द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों पर हमले को लेकर पुलिस ने 8 नामजद सहित 16 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वन रेंजर ने बताया कि भूमाफिया भाजपा नेता है, जिन्होंने वन रेंजर को फोन द्वारा अवैधता करते हुए मारने की धमकी दी थी। इसको लेकर रेंजर ने दर्जनों के नाम बताते हुए पुलिस को तहरीर दी। बताया गया कि दबंगों पर पहले भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी सभी लोग पुलिस की पकड़ से दूर हैं। देखिए, मैं यहां पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर तैनात हूं और माननीय डीएम और डीएफओ साहब के आदेशों के क्रम में हम लोग जो है सुजातपुर खादर खद्दन आरक्षित वन ब्लॉक में लोकल किसानों ने जो जमीनें पर अपनी फसल बो रखी है बहुत वर्षों से, उसको हम खाली करा रहे थे। पहले हमारे द्वारा सर्वे कराया गया, सर्वे करा कर सीमांकन क्लियर किया गया, क्लियर होने के बाद सबकी सहमति से उसे हम खाली करा रहे थे। लेकिन जब उसे लगभग 23 हेक्टेयर भूमि में, जब हम 15 हेक्टेयर भूमि खाली करा चुके उसके बाद आगे बढ़ रहे थे, तो हमें अचानक जो है 2-3 दिन पहले कपिल पुत्र रघुराज निवासी गोकुल नगर का फोन आया और उसने हमसे बहुत बदतमीजी की, गालियाँ दी कि तू कौन है, तू कौन होता है, तू खाली कैसे कराएगा, ये मेरे आदमी है, और मतलब इस तरह से उसने हमें कहा। लेकिन हमने उसको इग्नोर किया, हम अगले दिन फिर भी गए क्योंकि सरकारी कार्य है, तो सरकारी कार्य में जो है हमें जाना है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे थे हमारे, वो अपने कम से कम 50-60 लोगों के साथ आया, उसने हम लोगों के साथ मारपीट की, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हमारे ट्रैक्टर छीन लिए, ट्रैक्टर छीन के वो वहाँ से चला गया। और जो है वो सारी की सारी भूमि धारा 20 की भूमि है, आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है, उसमें किसी किसान का, ग्राम समाज का कोई किसी प्रकार का मतलब डिस्प्यूट नहीं है, वो क्लियर कट वन विभाग की भूमि है। डीएम साहब का आदेश है कि अगर कोई भी भूमि पर कब्जा है तो उसको कब्जा मुक्त कराना है। डीएम साहब ने उसमें बहुत अच्छी पहल की और हमें बहुत सहयोग किया है इस काम के लिए, और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि जितना फोर्स चाहिए हम फोर्स भी देंगे, आप अपनी जमीनें खाली कराओ, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। देखें, और चित्रकूट के सतमा से जो विभागीय कर्मचारियों के साथ बकाया बिजली बिलों की वसूली करने जेई पहुंचे। आपको बता दें कि ग्रामीणों के साथ जमकर नोकझोंक हुई है, वही जेई से फोन पर बातचीत का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। बिजली के बिल का भुगतान न करने वालों के घर को चिन्हित कर कार्रवाई करने पर ग्रामीणों ने जेई पर शराब पीने का आरोप लगाया। यह पूरा मामला चित्रकूट में पदस्थ बिजली विभाग के जेई पुष्पराज सिंह पटेल का बताया जा रहा है। नमस्कार, जय सर, मैं पटेल बोल रहा हूँ। नमस्कार, नमस्कार। कल आपके साथ एक घटना हुई, जब आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि आप शराब पी करके फील्ड पर गए थे, क्या हुई पूरी घटना का? उसमें हम बिल के वसूली के लिए गए थे वहाँ पर जी, ग्रामीणों द्वारा बोला गया कि बिल मनमानी आ रहा। हमने कहा बिल मनमानी नहीं है, आप लोग जमा नहीं कर रहे हैं इसलिए बिल बढ़ता जा रहा है, हर महीने आप लोग जमा करते रहिए। उन्होंने ग्रामीण पर आरोप लगा रहे हैं कि आप नशे की हालात पर गए थे वहाँ। ये टोटल झूठा आरोप है। आप जो ग्रामीणों के सामने रुक रुक के बात कर रहे थे सहज से, तो ये क्या
है पूरा मामला। हाँ मामला जो ये है वो डायरेक्ट हमारी तो सुन नहीं रहे थे, डायरेक्ट एक साथ चार चार लोग बोल रहे थे, हमने तो उनका सुना, फिर जब बात कर रहे थे डायरेक्ट हमने उस पर बोले कि आप दारू पी के रखे, हमने तो दारू पिया नहीं था, हमने कहा आप ऐसे कैसे बोल देते हैं, चलिए मेडिकल करवा लीजिए। मेडिकल करवाने जी नमस्कार जी सर, मैं फीवर पर डराई से जो कांदू संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कांदू समाज के लोग तहसील मोतीपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बहराइच जिले के कांदू संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मेहपुरवा नगर के कांदू साम के समाज के लोग अपने प्रतिष्ठान को बंद करके तहसील दिवस के दिन तहसील परिसर पर ही पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन दिया। वही मेहपुरवा नगर के कांदू समाज के लोगों का आरोप है कि तहसीलदार मोतीपुर डॉक्टर सुनील कुमार कांदू समाज के पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। वही कांदू श्याम के लोगों ने चेतावनी देते हुए बताया है कि अगर 23 मार्च तक कांदू समाज के पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाते हैं तो हम सभी 24 मार्च को तहसील परिसर पहुंचकर पूरे परिवार सहित कांदू समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर अल्पसंख्यक धर्म में शामिल हो जाएंगे। वही तहसीलदार मोतीपुर डॉक्टर सुनील कुमार का कहना है कि बगैर अभिलेखों के प्रमाण पत्र निर्गत करना संभव ही नहीं है, जो लोग अभिलेख प्रस्तुत कर पाएंगे उनका प्रमाण पत्र हमारे द्वारा निर्गत किया जाएगा। तहसीलदार में आने का कार्य ये रहा है कि पिछले 6 महीने से जब से तहसीलदार महोदय आए हैं, कांदू समाज का कोई भी व्यक्ति अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो कांदू समाज को जाति सूचक गालियां और अभद्र गालियों से देते हैं। दूसरी चीज़ अगर जब बहुत उससे भी आदमी बढ़ जाता है तो पैसे की डिमांड करके जाति प्रमाण पत्र बनाने का हवाला देते हैं, पैसे का मोटा पैसे का डिमांड करते हैं और इन सब चीज़ों से आहत होकर पूरा समाज आज तहसील प्रांगण में एकत्रित है। और अगर 23 तारीख तक हम लोगों ने SDM साहब को मौका दिया कि अगर 23 तारीख तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिला, पूरा समाज का अगर जो आसानी से जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया तो हम लोग 24 तारीख को इसी तहसील प्रांगण में आके बीवी बच्चों सहित करीब 5,000 की संख्या में धर्म परिवर्तन करेंगे और हिंदू समाज और पिछड़ी जाति को त्याग करेंगे। क्या वजह है आप लोग धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं? हम लोगों को कांदू समाज का ये मौजूदा तहसीलदार जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं और जब हम लोग अप्लीकेशन लेकर आते हैं तो कहते हैं यहाँ बकाल क्या होता है, इसी के जब हम लोग वहाँ गिने नहीं जाते हैं तो इससे अच्छा है कि धर्म परिवर्तन करके अल्पसंख्यक में चले जाए, जिसके लिए 24 तारीख को हम लोगों ने निर्धारित किया है। 24 तारीख को पूरे बच्चों और परिवार सहित आएंगे, महिलाएं भी होंगी और सब यही तहसील प्रांगण में ही धर्म परिवर्तन के जाति सूचक गालियां देते हैं। हाँ कहते हैं बनिया बकाल, बनिया बकाल क्या होता। हम लोगों ने कई बार दस्तक अपने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है, ये पिछले 1-2 महीने से हम लोग लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन भेज रहे हैं और ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ भी हम लोग पिछले तहसील दिवस में भी DM साहब को दिए थे, DM साहब ने आदेश भी किया था कि बनाइए पुराना देख करके, मगर ये कहते हैं DM क्या होता है, जो कुछ हूँ मैं हूँ। 1965 का TC में जो है कि कहे और नहीं बने, निर्णय हम लोगों का यही कि 23 तारीख तक का अंतिम अल्टीमेटम है और अगर जो ये हम लोगों का जाति प्रमाण दर्जा जारी नहीं करेंगे 24 को मेरा पूरा समाज दल बल बच्चों से। खबर जांजगीर चांपा से जो बलौदा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें कि हनुमान चौक सिक्का के नाम पर 6 लाख की ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम खिसोरा में रहने वाले चतुर सिंह सूरवंशी ने 7 अप्रैल 2019 को बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वही हरिराम कुर्रे और सुरेंद्र लहरे उसके पास आए थे और हनुमान चौक ओरिजिनल सिक्का होने का लालच दिखाकर हनुमान चौक सिक्के को बाजार में बेचना चाह रहे थे। आपको बता दें कि चतुर सिंह सूरवंशी उनके झांसे में आकर आरोपियों को 6 लाख रुपए दे दिए थे। जब चतुर सिंह सूरवंशी ने उसे जांच कराई तो वह नकली पाए गए, जिसके बाद उसे ठगे जाने की जानकारी हुई। चतुर सिंह ने इसकी शिकायत बलौदा थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत पर बलौदा पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज कर लिया था। वही बलौदा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। थाना बलौदा में 7 अप्रैल 2019 को चतुर सिंह सूर्यवंशी निवासी खिसोरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनको हनुमान छाप सिक्का दिखाकर उनसे 6 लाख रुपए का ठगी किया गया है और इसके आरोपी हैं हरिराम कुर्रे और सुरेंद्र लहरे। तो सुरेंद्र लहरे को तो पूर्व में गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया और दूसरा फरार आरोपी हरिराम कुर्रे को अभी गिरफ्तार किया गया और इसको भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है
विवेचना जारी है। थाना बलौदा में लखनऊ के बीकेची तहसील प्रशासन का भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि ग्राम चिकारी में बंजर भूमि को तहसील प्रशासन ने खाली कराया है। इसके साथ ही तहसील प्रशासन ने बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण को घिराकर सरकारी भूमि को खाली कराया है। बताते चले कि ग्राम चिकारी में अब जल निगम की टंकी का निर्माण कार्य होगा, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। अमेठी में भी मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ भारी बरसात हुई है। इसके साथ ही कई जगह ओला पड़ने से फसलों को भारी नुकसान हो गया है। वहीं बेमौसम की बरसात से किसानों की गेहूं सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि जनपद के अलग अलग क्षेत्र में भारी बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रशासन ने दो दिन पहले ही अलर्ट जो था वो जारी कर दिया था। अमेठी में महिला सशक्तिकरण को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत को दरिंदा ने उतारा। 5 वर्ष से लगातार युवती के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा। परिजनों द्वारा शादी की बात करने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया है। वह स्थानीय पुलिस भी पीड़िता की शिकायत नहीं सुन रही। इसके बाद परिजनों संग युवती मुसाफिर खाना समाधान दिवस पर पहुंची, जब पुलिस अधीक्षक ने जांच कर मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वह जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी का वास्ता लेकर यहाँ तक का गलत काम हो गया। वो मुझसे शादी करने के लिए बोलते थे कि तुमसे मैं शादी करेंगी, यहाँ तक का शादी भी तर्क तय कर लिया था। उसके बाद हमने बोला शादी भी तर्क तय कर लिया, तुमने उन्हें कहा कि अब मेरे बाप लग का तुम फ़ोन करो, अब हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम उनके बाप लग का फ़ोन किए कि हम उनसे आज 20 साल से बात करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो उनके बाप बोला कि उनकी शादी तय हो चुकी है, अब शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम अपना रास्ता देख लो। हमने बोला कि नहीं, हम शादी करेंगे, तुम ही शादी करेंगे। उसने बोला कि उल्टा हमको भी फंसा दिए, थाना गए चुको बाजार तो वहाँ तो हमारी सुनवाई नहीं हुई, उन्हें पैसा दे दिया तो उनकी ज़्यादा सुनी गई, हमारी कहीं नहीं सुनी गई। यहाँ आई आप, यहाँ अधिकारियों ने क्या कहा? ये मामला ये है कि मुकेश कुमार ग्राम पूरी जुड़ेगी पुरवा का रहने वाला है, जो मेरी लड़की रोशनी के साथ में बीते 4-5 वर्षों से वो शारीरिक शोषण कर रहा है। उसके बाद ये भी साथ में कहता रहा कि मैं शादी करूँगा, मतलब ये कि शादी का झांसा दे करके 4-5 साल से वो रेप करता रहा। शादी करने के लिए बोलने पर वो इनकार कर दिया। इस बात को मैं ले करके थाने शुक्ल बाजार पहुँचा, जहाँ मेरी बात सुनी नहीं गई, इसलिए मैं आज तहसील दिवस पर अपना पक्ष रखा हूँ। मैं न्याय मांगने की अपील करता हूँ। अधिकारियों ने क्या कहा? एसपी साहब ने बोला है कि न्याय मिलेगा, मेरा अल्लाह है। और जब खबर यूपी के कानपुर से, जसपा विधायक इरफान सोलंकी से कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस के रवैये से इरफान सोलंकी खासे नाराज दिखे, बोले मेरा इस्तीफा चाहिए तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ पुलिस अभद्रता ना करे। आपको बता दें कि विधायक की बीवी नसीम ने भी कहा है कि उन्हें अपने सोहर से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, तो उनके मासूम बच्चे भी पिता के लिए दिन रात रो रहे हैं। खबर मंडला से, जहां सरपंच सचिव संघ द्वारा 2 वर्षों से पेयजल परिवहन का लंबित भुगतान को लेकर अनुविभागीय अधिकारी निवास के नाम पर जनपद पंचायत कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का बड़ा बड़ा वादा कर रही है, तो कहीं विकास यात्रा कर रही है। वही मंडला जिले के विकासखंड निवास में सरपंच सचिव संघ की बैठक स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित की गई है, जहां पर बैठक के दौरान चर्चा में आया है कि जनपद पंचायत निवास में पेयजल की समस्या से ग्रसित ग्राम पंचायतों में सरकार के परिपालन में 2 वर्ष पहले पेयजल परिवहन कराया गया था, जिनके दैनिकों का भुगतान अभी तक ना होने के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रकार की मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। वो पेयजल प्रवाहन के 2 वर्ष से अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए कहाँ पे पंचायत में? पंचायत में, अन्य सभी पंचायत में। क्या नाम लिखते हैं? सुखमंती मरावी सर। आज
जो हम लोगों को पंचायतों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पेयजल से संबंधित, जो दो वर्ष पुराना और पिछले साल का भी भुगतान ना होने की वजह से अभी ग्रीष्म ऋतु पुनः चालू होने वाली है, तो पेयजल जिनने किया है वो मारपीट पे उतारू होने वाले हैं, इनका भुगतान नहीं हो पा। हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय निवास के नाम से ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी भुगतान करें ताकि आगामी दिनों में परिवहन किया जा सके। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel.